नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश हैं और सर्दियों का बहुत अच्छे से मजा ले रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चतुर्दश पाठ अभ्यास कौशल प्राप्ति। चैप्टर डिस्कस कर चुके थे, चैप्टर के शब्दार्थ भी पढ़ चुके थे। आज हम कर रहे हैं इसके पाठ बोल, क्या करेंगे पाठ बोल। अब देखिए पाठ बोध कर रहे हैं तो पाठ बोध के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला आ ना लिखा। अब मेरे हिसाब से मैं आपको आ को लगा लेती हूं। चैप्टर हमारी बुक में है, आप बुक में पेज नंबर 78 निकाल लीजिए। एवरीबॉडी ओपन योर बुक पेज नंबर 78। अब देखिए बच्चों, एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसको ध्यान सुनते जाना। वने कौरवा पांडवा च भ्रमंती स्म। वन में कौरव और पांडव भ्रमंती स्म, भ्रमण कर रहे थे। वन में कौरव और पांडव भ्रमण कर रहे थे। नौ, पहले में क्या आएगा नौ। वन में कौन भ्रमण कर रहा था? आचार्य द्रोण। अब देखिए नेक्स्ट, आचार्य द्रोणस्य हस्ते असि आसी। आचार्य द्रोण के हस्ते अर्थात हाथ में असि आसी तलवार थी। तलवार थी उनके हाथ में कि चाप था? बताइए आप, तलवार थी या चाप था? चाप था। तो इसमें भी क्या आएगा नौ। समझ में आ गई मेरी बात। आगे देखिए, वनस्य वातावरणम चित्तम प्रसाद यदि इसमें। वन का जो वातावरण होता है, चित्तम अर्थात मन को प्रसाद यदि यानी खुश करता है। हाँ, वन का जो वातावरण है वो चित्त को खुश करता है। हाँ, क्योंकि बताया था शीतल मंद सुगंध से परिपूर्ण वायु बह रही थी ना, वो वाला टॉपिक। द्रोणाचार्य दाने जीविका निर्वाहती इसमें। द्रोणाचार्य दान से जीविका निर्वाह करते थे। द्रोणाचार्य क्या दान से जीविका निर्वाह करते थे? नौ, द्रोणाचार्य उद्यम करके जीविका निर्वाह करते थे। तो फोर्थ में क्या आएगा नौ। दिख रहा है आप सबको, ध्यान दे मेंशन करते जाइए। नेक्स्ट है इसका, वने चरस्य निवास है ग्रामे आसीत। वन का नेचर का निवास, जो वनेचर था भील था उसका निवास गांव में था। वो तो वन में निवास करता था, गांव में द्रोणाचार्य निवास करते थे। तो इसका आंसर भी क्या होगा नौ। अब देखिए पांच स्टेटमेंट है, पांचों में से थर्ड वाला आम है, बाकी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ क्या है नौ है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकल्पे भे उचितम पदम चित्वा लिखत। विकल्पे भे, तो ये क्वेश्चन करते हैं हमारा हम। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पे भे उचितम पदम चित्वा लिखत। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पुष्पितासु लतासु के गुंजन्ति। पुष्पों पे और गमों पे कौन गुंजन कर रहा था? अब आप ये बात देख लीजिए कि ऑप्शन है हमारे पास क्या है, ऑप्शन है तीन, कोकिला भ्रमरा और खगा। कोकिला अर्थात कोयल, भ्रमरा अर्थात भमरे और खगा अर्थात पक्षी। तो कौन गुंजन कर रहा था? एक ही स्थान पर क्या आएगा भ्रमरा। क्या है इसका आंसर? भ्रमरा। नेक्स्ट देखिए, कीदृश पवनम चित्र प्रसाद्यति। कीदृश पवन है, कीदृश पवन है चित्तम प्रसाद्यति, तीव्र निर्मल सुगंध परिपूर्ण। तो इसका आंसर क्या होगा? सुगंध परिपूर्ण, सुगंध से
पवन की वो चित्त को खुश करती थी कि दृश्य के स्थान पर सुगंध परिपूर्ण था। धनुहस्त के वनम प्रविशत, धनुहस्त के अर्थात कौन, वनम अर्थात वन में, प्रविशत कौन प्रवेश कर रहा था वन में, किसने प्रवेश किया वन में, धनुष हाथ में रखकर, आचार्य द्रोण, किसने किया था, आचार्य द्रोण, इसे हम द्रोणाचार्य भी लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, के आचार्य द्रोण प्रणमति, के अर्थात किसने, आचार्य द्रोण प्रणमति, प्रणाम किसने किया था आचार्य द्रोण को, कौरव और पांडवों ने किया था, नहीं, आचार्य द्रोण को प्रणाम किया था वनेचर ने, किसने प्रणाम किया था, वनेचर ने, वन में रहने वाले वीर ने प्रणाम किया था। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुत्र निवसति, द्रोणाचार्य पुत्र निवसति, द्रोणाचार्य कहाँ निवास करते थे, ग्रामे अर्थात गांव में। अगर क्वेश्चन आए वनेचर कहाँ निवास करता था, तो हम लिखेंगे कहाँ पर, वने वन में, ठीक है। अब देखिए सिक्स क्वेश्चन, आचार्य किम कृत्वा, आचार्य किम कृत्वा, आचार्य क्या करके जीविका अर्जयती, जीविका अर्थात जीवन जीने के लिए पैसा, अर्जयती अर्थात अर्जन करते थे, किससे कमाते थे वो पैसा, उद्यमम, उद्यमम अर्थात परिश्रम करके। तो देखिए इस सबको एक बार वहां पर, पुष्पों पे और लताओं पे कौन गुंजन कर रहा था, भ्रमरा भंवरा, कैसी पवन चित्र को खुश करती है यानी मन को प्रसन्न करती है, सुगंध से परिपूर्ण पवन मन को खुश करती है, धनुष हाथ में लेकर कौन वन में निवास प्रवेश कर रहा था, धनुष हाथ में लेकर आचार्य द्रोण वन में प्रवेश कर रहे थे, करते हैं, इसमें करते ही आएगा बस ही, क आचार्य द्रोणम प्रणमति, कौन आचार्य द्रोण को प्रणाम करता है, वनेचर, वनेचर आचार्य द्रोण को प्रणाम करता है। द्रोणाचार्य पुत्र निवसति, द्रोणाचार्य कहाँ रहते हैं, ग्राम अर्थात गांव में। अगर यहाँ होता वनेचर पुत्र निवसति तो हम यहाँ लिखते वने वन में, यदि यहाँ लिखा होता क्या, यदि यहाँ लिखा होता कि कौरव पांडव पुत्र निवसति, हम कहते राजभवने या महले, जो भी इसमें होता ऑप्शन दो। अब देखिए आचार्य किम कृत्वा, आचार्य क्या करके जीविका अर्जयति, आचार्य क्या करते थे जिससे उनकी जीविका चलती थी, तो आचार्य करते थे उद्यमम अर्थात परिश्रम। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थूलानि परानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरु, यानी आपको ये जो दे रखे हैं स्टेटमेंट इनको लेकर क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है, तो करते हैं, चलिए प्रश्न निर्माण हम करते हैं इसके क्वेश्चन मेकिंग। तो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन लिखेंगे, स्थूल पदानि आधृत्य, देखिए आधृत्य में लट प्रत्यय है, ये दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब लट प्रत्यय, देखिए पहला क्वेश्चन, कूप परिसर, इसको रेखांकित कर देती हूं मैं, स्तुत तो होगा नहीं, पांडवा कौरवाश्चय परस्परम आलपंती, स्टेटमेंट है, इससे आपको बनाना है क्वेश्चन, तो हम
लिखेंगे? क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? देखिए, पांडवा कौरवाश्चय बहुवचन और
और केशाम क्या है? पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। लेकिन सरकंडों के तीर क्या है? पुल्लिंग है। सरकंडों के तीर की वजह से हमने क्या लिखा है? इसको पुल्लिंग में लिखा है कि हमें सिर्फ इस शब्द से बनाना है क्वेश्चन, और ये शब्द क्या है हमारा? पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति बहुवचन, इसलिए हमने केशाम क्यों लगाया? पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एकवचन की वजह से। तो पहले में क्या आया बच्चों? पहले में आया पुत्र, दूसरे में पुत्र अगेन, तीसरे में किम, चौथे में के, और पांचवे में केशाम। इस प्रकार हमने इनके प्रश्न निर्माण किए। प्रश्न निर्माण में बार बार बताती हूँ एक चीज का ध्यान रखें हमेशा, कि जिस शब्द से प्रश्न निर्माण करें उसका लिंग, विभक्ति और वचन पता होना चाहिए। यदि आपको शब्द निर्माण, प्रश्न निर्माण करते वक्त आपको उसका लिंग, विभक्ति, वचन पता है, तो जिस लिंग, विभक्ति, वचन का वो शब्द है उसी लिंग, विभक्ति, वचन के आपको किम के रूप लगाने होंगे। बस आप उस स्थान पर किम के रूप लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। दो चीजें याद रखें, जब कोई व्यक्ति किसी स्थान के बारे में प्रश्न करे तो आप वहां पर लगाएंगे पुत्र, और जब कोई व्यक्ति किसी समय के बारे में प्रश्न करे तो आप लगाएंगे कथा। दो चीजें अलग है, बाकी प्रोसीजर सेम चलता है हर कंडीशन में। समझ में आ गई बात? तो आज की क्लास में जो हमने इसके पार्ट बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें हमने पहला क्वेश्चन किया आम और न वाला, दूसरा विकल्पों वाला, और चौथा तीसरा सॉरी प्रश्न निर्माण वाला। अब हमारी अगली क्लास में करेंगे व्याकरण बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों।